ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स हैं और सुबह का टाइम है और ये बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारे कलर लग रहे हैं इनके, तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये थोड़ा ऑरेंजिश लिए है कलर और काफ़ी सारी बड आई हुई हैं। अब थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है तो ये अच्छे से खिल रहे हैं। तो ये देखिए कितनी सारी, इसमें देखिए कितनी सारी बड आपको दिख जाएंगी, हर टॉप पे आपको बड दिख जाएगी। तो अब ये बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं ये देखिए। और ये है मेरे नस्ट्रेशियम जो कि चारों तरफ खिले पड़े हैं। ये देखिए वाइट पॉट में इतना अच्छा ये कलर देता है। तो कैलेंडुला जो सीड्स होते हैं ये देखिए, मैंने इसी की वजह से आपको ये वीडियो बना के दी है छोटी सी। ये देखिए इसमें जो सीड्स हैं वो बन गए हैं, जैसे एक फ्लावर था वो ख़राब हो गया तो अब ये देखिए इसमें सीड्स आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, ऐसे जो ये हैं इनको तोड़े ना, और ये जो छोटे छोटे से इसमें ये लगे हुए हैं ये इसके सीड्स हैं और अगले सीज़न के लिए आप इसे रख सकते हैं। तो जब पकने रहे से, जब बिल्कुल ब्राउन हो जाए, सूख जाए, तभी आप इसको निकालें। वैसे अभी कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट मैंने आपको दिखाने के लिए ये रखा था और अभी मैं निकाल दूंगी क्योंकि अभी इसको मुझे सीड्स नहीं चाहिए इसके। अभी और 15 दिन बाद मैं बनाऊंगी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये किया है। तो आप भी ये काम कीजिए और इन बहुत ही खूबसूरत से फूलों को देखते रहिए। बाय बाय।